शनिदेव ने बदला 2024 में पाया, जानिए किस राशि में कौन से पाए पर है शनिदेव, किसको होगा लाभ। 2024 में कुंभ राशि पर तांबे के पाए पर है शनिदेव, इस राशि के जातकों को नौकरी कारोबार में मिलेगी तरक्की। इस साल 2024 में शनिदेव ने प्रत्येक राशि में पाया बदला है, अब किस राशि में शनिदेव किस पाए पर है जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि के चार पाए बताए गए हैं, स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह। ज्योतिष आचार्य पंडित पंकज पाठक के अनुसार बताया गया कि 2024 में शनि प्रत्येक राशि में पाया बदल चुके हैं, इस प्रकार सभी पाए का राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष गणना के अनुसार आइए जानते हैं कि साल 2024 में शनि किस राशि में कौन से पाए पर रहेंगे एवं शनि का पाया संबंधित राशियों पर कैसा प्रभाव डालने वाला है, किसको लाभ होगा और किसके लिए हानिकारक होगा, यह जानिए। देखिए, शनि जब एक राशि से दूसरी राशि में शनि प्रवेश करता है तो शनि के प्रवेश करने के साथ ही जन्म राशि से चंद्रमा जितनी संख्या पर रहता है उसके आधार पर किसी व्यक्ति के चरण या पायड़ा जो है वह निर्धारित होता है। जैसे कि यदि एक पहले छठवें या ग्यारहवें स्थान पर चंद्रमा हो तो स्वर्ण का चरण कहा गया है, यह सुख कारक होता है, सुख समृद्धि देने वाला होता है। इसी प्रकार चंद्रमा की स्थिति दूसरे पांचवें या नौवें स्थान पर होती है तो यह भी सुख कारक होती है, धन कारक होती है, वृद्धि देने वाला होता है, ये रजत का या चांदी का पायड़ा कहलाता है। तीसरा होता है ताम्र का पायड़ा, यह सुख कारक होता है, धन कारक होता है, यदि तीसरे सातवें या दसवें स्थान पर चंद्रमा की स्थिति हो। उसी प्रकार जन्म कुंडली में जैसा कि पहले बताया, जन्म राशि से चंद्रमा की स्थिति यदि चौथे आठवें या बारहवें स्थान पर है तो ये लोहे का पायड़ा या लोहे का चरण कहलाता है, ये धन नाशक होता है, धन को समाप्त करता है, कष्ट कारक होता है और विभिन्न प्रकार की जो है ये विपत्तियां प्रदान करता है।